नमस्कार, वीकेबी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीकेबी स्पेशल में हम बात करते हैं उस विषय के बारे में जिसे हम जानकर भी अनदेखा करते हैं। बात उस मौत को निमंत्रण देने वाले नायलॉन मांझे की है जो कितने सहज तरीके से लोगों की जान ले लेता है। क्या सच में हमारी जान की कीमत इतनी सस्ती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रतिबंध के बावजूद नागपुर शहर में नायलॉन मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। वैसे तो मकर संक्रांति को अभी एक महीना बाकी है, पर इसके पूर्व ही अब तक केवल नागपुर शहर में ही लगभग 2.5 लाख का नायलॉन मांझा बरामद हो चुका है। जी हां, शहर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इस जानलेवा नायलॉन मांझा की बिक्री को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निर्देश भी दिए है, पर उसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में हमें जानने की कोशिश की कि जनता नायलॉन मांझे के बारे में क्या सोचती है, तो हमने पाया कि जनता में भी नायलॉन मांझे को लेकर दहशत है कि ये मांझा जो बनता है और ये चाइनीज ने इसको अडॉप्ट किया हमारे हिंदुस्तान में, ये सस्ता होने के नाते लोग इस पे जा रहे हैं। इसको इसकी जो बनावट और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से होते हैं उसके बारे में यदि अधिक जानकारी लोगों को हमारे प्रशासन द्वारा या भारत सरकार द्वारा दिया जाए तो जो इंसिडेंट हो रहा, 25 लोग लटक के मर रहे हैं, कट रहे हैं, बच्चे लोगों का गला जा रहा, जो साइकिल हम लोग मोटरसाइकिल चला के जाते हैं तो उसमें भी बड़ी इंसिडेंट्स हो रहा है, तो इसको भारत सरकार को विशेष करके ध्यान देना चाहिए या ये कलेक्टर लेवल में भी इसको ध्यान दिया जा सकता है। कलेक्टर भी इसको एक ऑर्डर निकाल कर इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस पे आप लोग फोकस करेंगे, आप हमारे यहाँ के जो लोकल जो HODs है, जो ऑफिसर्स है, अफसर है, हाँ, उनके द्वारा इसको यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप आपके वीकेबी के द्वारा इसको प्रकाशित करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक विशेष कारण, मैं इंजीनियर होने के नाते मुझे मालूम है कि ये चीज़ में, एक केमिकल्स में क्या चीज़ दिक्कतें हैं और क्यों इसका उपयोग बच्चे करना चाहता है। इसका ड्यूरेबिलिटी ऐसा है कि इसका जो केमिकल्स जो लगाया गया है उसको टालने से जल्दी से टूटता भी नहीं है। हाँ, इसको ड्यूरेबल होने के नाते बच्चे हमारे जो अच्छे, हाँ, पतंगबाज लोग उन लोग उड़ाना पसंद करते हैं, लेकिन इस पर निषेध होना चाहिए। आवश्यक निषेध यदि हमारे कलेक्टर लेवल से, हमारे यहाँ के जो अफसर हैं उनके तहसील ऑफिस से और आपकी माध्यम से भी, आप एक ऐसा माध्यम है जो हमारा आज के दिन में मीडिया जो घर घर में जो गया है, घरों में जितना प्रकाशित होगा कि इससे मर रहे हैं बच्चे, मर रहे हैं, इसमें एक्सीडेंट भी, नॉट ओनली मैंने आप कोई बच्चे मर रहे हैं, कट रहे नहीं है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, कोई स्पीड में जा रहा है, वो उसमें उसको लगा है, वो भी गिर रहा है, उसके साथ में पीछे वाले भी गिर रहा है, दूसरा भी गिर रहा है, तो एक्सीडेंट की संभावना भी ज़्यादा हो रही है और इसकी मौत भी ज़्यादा हो रही है। बस प्रशासन को विशेष करके ध्यान देना चाहिए, लोकल लेवल से चालू करें तो, और हर घर में माता पिताओं का भी दायित्व होता है और उनके घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी भी दायित्व होता है कि अपने बच्चों को बताएं कि इसका उपयोग ना करें और ख़ुद भी खरीद के उस बच्चों को ना दें। हाँ, ये मेरे तरफ से आप लोगों ने ये एक अच्छा टॉपिक्स लेकर मार्केट पे निकले हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको प्रकाशित करके लोगों को घर घर तक जाए और हमारे जो बुज़ुर्ग, मेरे जैसे बुज़ुर्ग रिटायर्ड है, माता पिताजी है या नाना नाना जी है या भाई बड़ा भाई है, उनका अपने छोटों पर बिल्कुल पाबंदी लाकर, वो घर में ऐसा दिखता है, मंजा दिखता है तो उसको डांटना भी चाहिए, उसको लेकर उड़ाने के लिए उसको पाबंदी भी लाना चाहिए। नायलॉन मांझा जो है वो सेहत के लिए वैसे भी बहुत ख़राब होता है। उसका एक तो क्या होता है कि वो इतना मज़बूत होता है कि कोई भी चीज़, यानी अगर आप अपने हाथ पे भी रखो तो हाथ भी कट जाते हैं, तो वो चीज़ को तो खैर परमानेंटली बैन कर देना चाहिए। तो नायलॉन मांझा ऐसा मार्केट में जो भी सेल कर रहा है उसको खुद को समझना चाहिए, उसके घर पे भी खुद भी बच्चे लोग हैं या उसके परिवार वाले हैं, वो खुद रास्ते में जाते हैं, चलते हैं, तो हो सकता है उनके साथ भी कुछ हादसा हो जाए, तो जो लोग बेच रहे हैं उनको खुद को ये सब चीज़ें समझ के उसको बैन कर देना चाहिए। नायलॉन तो यूज़ नहीं होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, लेकिन जितना सेलर पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए उतना शायद हो नहीं रही, इसलिए वो बेचा जा रहा है ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल तो, क्योंकि यूज़ करने वाले जो बिकेगा तो वो मतलब यूज़ करेंगे ही करेंगे। मतलब हम लोग ऑफिस में थे 2 से 4 महीने के साथ पहले की बात है, तो हमारा पेपर में आया और कुछ हम लोग यहाँ पर तो एक्टिविटी हमारा रहता ही है, तो हमारे सामने की बात है, एक लड़का मतलब जा रहा था
और नायलन में तो अचानक आया वो, मतलब इस तरह से वो फंसा और बेचारा वो छट बनाने लगा, वह हेलमेट पे पहने हुए था। अब तो मतलब उसको लगा क्या हो रहा है, मैं अचानक खून पूरा यहाँ से आने लगा। ये हमारे बगल की बात है, तो हम लोग तो बहुत मतलब स्पीड में हम लोग गए वहाँ पर मतलब बहुत कुछ हो चुका था। तब तक हम लोग ऑफिस आ गए और उधर मतलब इनफैक्ट हमें कहने का ये मतलब है कि नायलन के प्रॉब्लम नागपुर में नहीं, सारे अभी इंडिया में है वो चाइनीज जो नायलन आ रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी सरकार को चाहिए कम से कम वो मतलब बैन करे, बैन करके उसको हटाकर उसे कोई ऑप्शन मतलब रखना चाहिए। बैन लगाने की तो ज़रूरत है, गवर्नमेंट तो लगा रही है मगर जो है लोकल लेवल पे उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसमें कॉरपोरेशन और जो पुलिस वाले हैं या हमारे जैसे कॉमन मैन है जो बेच रहे हैं, उन्होंने ध्यान देना चाहिए, फोकस देना चाहिए, क्योंकि नायलन मांजा जो है उससे कैसा है, इंसान नहीं पंछियों को भी नुकसान होता है। तो इस पे तो रियली बैन होना चाहिए। और अगर आपको इसको बैन नहीं करना है तो कुछ ऐसे जगह का अरेंजमेंट कीजिए जहाँ पे गुजरात जैसे जगह पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो आप बड़ी जो है प्लेस ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे आप ऐसा प्रोग्राम अरेंज कीजिए। नायलॉन मांजा की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर किसी एक ने भी अगर नायलॉन मांजा से पतंग उड़ाता है तो दूसरे सभी को नायलॉन मांजा से ही उड़ानी पड़ेगी, क्योंकि सादा जो धागा है ये नायलॉन मांजे के सामने टिकता नहीं और अपनी पतंग कट जाती है। तो ये कुछ लोग जानबूझ के उड़ाते हैं कि पतंग नहीं कटनी चाहिए और बाकी लोग मजबूरी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत नायलॉन मांजे की तकलीफ ये है कि एक तो नायलॉन मांजा टूटता नहीं है जल्दी से, वो स्ट्रेच हो जाता है, इस वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है नायलॉन मांजे की। और बहुत लोगों के इस वजह से गले भी कटे हुए। तो जो भी प्रशासन है इन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। जिस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और स्पेसिफिकली संक्रांति के दिन, इन्होंने टेरेस पे जाके ये चेक करना चाहिए कि ये लोग नायलॉन मांजे से उड़ा रहे हैं कि सादे धागे के मांजे से उड़ा रहे हैं। यही कहना है कि कम से कम गवर्नमेंट ने अगर जब बैन लगाया तो फिर वो मांजा यहाँ आता ही कैसे, आना ही नहीं चाहिए। अभी रास्ते की बात तो रास्ते से जा रहा है, वो हेलमेट पहनने के बावजूद भी वो नीचे से अगर मांजा गया तो उसकी तो गर्दन कटी, हाथ कटा, हाथ से चलता, वो कहीं से भी आ सकता है। वो तो पूरी तरह बैन होना चाहिए। यहाँ ही नहीं है, जहाँ पे अपन रहते हैं वहाँ पे गच्चियों पे छोटे बच्चे अगर वो खेल रहे, मंजा कहीं कट गया तो वो छोटा बच्चा, उसको तो पता नहीं, वो तो खींचेगा ना, तो उसका तो हाथ भी कटा, कहाँ क्या क्या कटेगा तो ये पता कुछ भी बता नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने तो टोटली बैन कर देना चाहिए। वो कहाँ से आता उसका पता लगा, उसको वहीं के वहीं सीज करो ना, ये इलाके में जाता ही कैसे है। तो गवर्नमेंट ही इसके लिए जिम्मेदार है, उसने कहीं ना कहीं इसको टोटली बैन करना चाहिए। वो मंजा को बाहर आने ही नहीं देना चाहिए। तो नहीं आएगा तो छोटे बच्चे बचेंगे, जो मरने वाले जो एक्सीडेंट मंजे से होते वो बचेंगे, गाड़ी वाले जा रहे हैं पता नहीं कहाँ से मंजा आ रहा है, तो मंजा आ रहा तो बेचारा वो तो गया ना, उसको क्या पता कहाँ से आया, वो तो जाएगा। तो टोटली गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट ने ही बैन करना चाहिए। जान इतनी सस्ती नहीं होती है ना, तो लेकिन फिर पालकों को भी कोई जिम्मेदारी है इसके प्रति कि अपने बच्चों को खरीद कर ना दे या फिर खरीदने ना दे। बिल्कुल, मेरा तो कहना है पालकों ने अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि मंजा कहीं से भी मिलता हो तो खरीदो मत, ये घर में लाओ मत। पालकों की भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पालकों की है, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं है ना, बच्चा तो लाएगा वो बोलेगा दो चार पतंगे काटेंगे उनको तो मजा आएगी, लेकिन बच्चों ने भी उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। और उसके लिए पालक ने उनको जागरूक करना चाहिए कि मंजा मत खरीदो, जो और पतंग उड़ाओ ही मत ना, पतंग उड़ाने से क्या है, मिलता ही क्या है। वो बच्चा पतंग उड़ा रहा है, गच्ची से नीचे गिर गया तो नुकसान तो बच्चों का है ना। तो पालक ने भी वो कम से कम अपने बच्चों को समझा के मंजे के प्रति जागरूक करना चाहिए। नायलॉन मांजे की वजह से हर वर्ष शहर में कई मौतें होती है, इसके बावजूद युवा और बच्चों में नायलॉन मांजे का जुनून है कि कम ही नहीं होता। वीकेबी न्यूज की तरफ से हम यही अपील करते हैं कि सरकार ने भी नायलॉन पर पूर्णतः बैन लगाना चाहिए और हर तरह से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप पतंगबाजी का भरपूर आनंद ले पर नायलॉन मांजे के चक्कर में अपना और दूसरों का जीवन खतरे में ना डालें।